नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फैमिली एमएसटीटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका का बिजली घर माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जान कीटों की पहचान करती है? इसका आंसर हो जाएगा, एलिसा जान कीटों की पहचान एड्स में किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई नेफ्रान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा, इंसुलिन यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर, वृद्धि हारमोन्स का कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। इसका आंसर हो जाएगा, मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन नंबर क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? इसका आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथ जिसे पीयूष ग्रंथ कहते हैं वो मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट इलेवन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? इसका आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य में कुल चार प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? इसका अर्थ होता है, मनुष्य का जीवन काल में दो बार कौन से दांत निकलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में दो बार निकलते हैं, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का आंशिक भाग किस अंग में संपादित होता है या संपन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग सबसे पहले छोटी आंत में ज़्यादा इसका संपन्न होता है भाग, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, खाने का सोडा होता है? इसका अर्थ होता है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस सबसे अधिक धान के खेत में उत्पादित होती है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तन पक्षी है? इसका आंसर हो जाएगा, उड़ने वाला स्तन पक्षी चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, हेलोफाइट। इसका अर्थ हुआ, ऐसे पौधे जो मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
23 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, भारी जल एक प्रकार का होता है? इसका आंसर हो जाएगा, भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? हमें बताना है कि जो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता। इसका आंसर हो जाएगा कि जो हीरा है, हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है, कोयले में कार्बन पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, सब में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन की मात्रा ढलवा लोहे में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, दूरदृष्ट दोष निवारण के लिए कौन काम में लिया जाता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, दूरदृष्ट निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा, लेंस की शक्ति को डायोप्टर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश के रंग का निर्धारण तरंग दैर्ध्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है? इसका अर्थ होता है कि किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा, किसी तारे का रंग उसका ताप निर्धारित करता है। जैसे लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, पीला में फिर उससे कम, सफ़ेद में सबसे कम होता है, तारे का रंग ऐसे बदलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, प्रकाश की गति किसके बीच से जाने में न्यूनतम होती है? इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश की गति को जब काच से गुजारा जाता है तो उसकी गति सबसे कम होती है, अर्थात न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में पाया जाता है, निर्वात में सबसे अधिक, कांच में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग शून्यकाश में अनुमानतः कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश का वेग शून्यकाश में अनुमानतः 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता दिखाई पड़ता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरने में आसानी होती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरने में आसानी होती है क्योंकि समुद्री जल जो होता है वो भारी होता है और नदी का जल जो होता है वो हल्का जल होता है, साधारण जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में घुसता है तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ नीचे की ओर चला जाते हैं, नाव जो होती है थोड़ा नीचे हो जाती है, और जब नदी में रहती है थोड़ा ऊपरी स्तर पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा कि बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण होता है उसका कम घनत्व, वो कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इसका अर्थ होता है कि मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किस का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, चींटियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में उपस्थित एल्काइड होता है? इसका आंसर हो जाएगा, तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड होता है, निकोटीन नामक का एल्कोलाइड पाया जाता है तंबाकू में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है। इसका आंसर हो जाएगा पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ एंट अमीबा होता है। इसका आंसर हो जाएगा एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, हैजा किसके कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा हैजा जीवाणुओं के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, आंकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, चूहों को मारने की दवा का क्या नाम होता है। इसका आंसर हो जाएगा चूहों की मारने की दवा में जिंक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण जो होता है वो ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसकी उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज कोशिका का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लार में टाइली नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपात के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है। इसका आंसर हो जाएगा शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस में नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। इसका आंसर हो जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, हर्ट्ज मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा गोबर गैस प्लांट में मेथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु तत्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा सबसे कठोर धातु तत्व होता है प्लेटिनम। क्वेश्चन है दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, यह प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती हैं दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, कोण की इकाई या मात्रक होती है। इसका आंसर हो जाएगा कोण का मात्रक होता है रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, गति के नियम की खोज किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा गति के सभी नियमों की खोज न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपने फैमिली को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।